हाँ सर, ये लास्ट मोमेंट में जो है 10-15 दिनों में बच्चे बायोलॉजी की कैसे तैयारी करें, क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बताया जाए और 10th के लिए भी। सारे भैया बहन CBSE के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर का मार्किंग स्कीम कितना मार्क्स का है उसके आधार पर उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और सारे भैया बहन जो हैं 3 घंटा समय देते हुए कोई भी मॉडल पेपर लेकर के उसको प्रॉपर वे में करें। और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो कुछ चैप्टर को सेलेक्ट कर लें जो ज़्यादा मार्किंग का है और उस चैप्टर को 100% याद कर लें। कम से कम कितने सैंपल पेपर करने चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए? अच्छे मार्क्स के लिए कम से कम 10 मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि सारे तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे और उनको कभी भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं। 100 में 100 मार्क्स के लिए बायोलॉजी में क्या किया जाए? NCERT बुक का गहन स्टडी किया जाए तभी संभव हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैथ बायोलॉजी लिए रहते हैं, कुछ चाहते हैं कि बायोलॉजी में जस्ट केवल पास ही मार्क्स हो जाए, तो उसके लिए कैसे ट्रिक अपनाया जाए? इसके लिए वो आपका यूनिट सेलेक्ट करके उस यूनिट को कंप्लीट कर ले। 5 यूनिट है तो उसमें 2 या 3 यूनिट जो उनको इजी लगता है उसका केवल स्टडी। कोई लास्ट मैसेज बायोलॉजी के बच्चों के लिए? पिक्टोरियल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करें तो उनके लिए पास करना अच्छा रहेगा और उनका ये रिजल्ट 100% होगा। धन्यवाद सर।